बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जजों के खिलाफ कार्रवाई और सज़ा देने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है। बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि बाकायदा तौर पर आज कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजिस के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं आमिर फ़ारूक साहब, अब उनके हाथ से तमाम तर मामलात निकल चुके हैं। एक सवालिया निशान था उनके ऊपर कि इमरान खान साहब का हर मुकदमा वही अपने पास लगाते हैं और सुनते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मैटर है वो अब पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फ़ैज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को अब देखेंगे। और दूसरी हम इसमें चीज़ यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले का बड़ा एक अहम नुक्ता है जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरी बैक साइड पर बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ से इमरान खान साहब की ज़मानत पर उन्हें बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और ये नुक्ता वो अपने इस रिलीफ के हवाले से भी इस्तेमाल करेंगे। ISI को एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक अहम केस था फैज़ाबाद इम्प्लीमेंटेशन का, तो अमल दरामद के हवाले से एक जो कमेटी सी है वो तश्कील दी गई है। इस पर भी बड़ी एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से हुई है। चंद तफसीलात हैं, गुजारिशात हैं, इस हवाले से भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन में आता हूँ जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ, और इस इजलास की अंदरूनी कहानी के ऊपर तो हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं इन्हें मिसकंडक्ट के हवाले से एक जो नोटिस है, शो काज नोटिस, वो जारी किया गया है और इनसे 10 नवंबर तक जो जवाब तलबी है वो की गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में ही उसका जो इजलास है वो आज हुआ, और तकरीबन 2 दर्जन के करीब शिकायात बताई जाती हैं कि जजिस के ख़िलाफ़ यहाँ पर दर्ज हैं। और ये वो फोरम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जहाँ पर अगर जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो तो यहाँ पर शिकायत लेकर दाखिल की जाती है और फिर यहाँ से कार्रवाई इनिशिएट होती है और प्रोसीडिंग आगे चलती है। तो इन शिकायत में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थे। इवन के माजी में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फ़ैज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत थी, और गालबन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ अब भी एक शिकायत मौजूद है, या मुझे सही याद नहीं आ रहा कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत दरख्वास्त गुजार ने वापस ले ली थी, लेकिन आई थी एक। तो बहरहाल इन शिकायत के ऊपर आज गौर किया गया और जस्टिस मुजाहिर नकवी को नोटिस करके इनिशिएट कर दी गई है कार्रवाई। यानी कि तब नोटिस किया जाता है जब जजेज़ ये समझें कि वाकई इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनको जो नोटिस है इनसे पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो किस तरह से बिल्डअप हो गया वो आपके सामने रखता हूँ। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कोलीग हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखते हैं जी कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को ज़ाहिर शुदा असासों पर शो काज नोटिस जारी करने वाली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 अरकान ऐसे हैं जिनके अपने ऊपर असासे ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम है। अब 2 बातें उन्होंने बताई हैं, एक तो ये कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने असासे ज़ाहिर किए थे और उनको शो काज नोटिस हुआ, और नोटिस किन उन्होंने जारी किया जिन्हें असासे ज़ाहिर ना करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और ये गालबन इशारा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा है, क्योंकि उनका भी मैटर था और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उनका भी मैटर था। और फिर जाहिर सी बात है सबको ये मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिवीज़न का एक बज़ाहिर है उसमें जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी मुखालिफ साइड पे हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो उनके अगेंस्ट साइड के हैं। तो बहरहाल ये अहम नोटिस है उनको जारी हो चुका है, 10 नवंबर को अब उन्होंने जवाब देना, और एक बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनिशिएट हुई है। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान साहब को ज़मानत के हवाले से एक बड़ा रिलीफ मिला है वो भी आपके सामने रखता हूँ। आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक तो हर केस इमरान खान साहब का वो सुनते हैं, हालाँकि इमरान खान साहब उनके ऊपर अदम एतमाद भी कर चुके हैं, बहरहाल उसके बावजूद भी हर केस वो सुनते हैं इमरान खान साहब का, और आज जो ज़मानत की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की वो भी मुस्तरद कर दी। एक पोर्शन है उनके फ़ैसले का वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान की ज़मानत मनसूखी फ़ैसले में प्रोसिक्यूशन के इस मौक़िफ़ को मनो ऐन तस्लीम किया है कि साइफ़र इमरान खान के कब्ज़े में है और इनके ख़िलाफ़ तमाम दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। फिर लिखा, इतने संगीन जुर्म पर ज़मानत नहीं बनती, बादी उल नज़र में इमरान खान का जुर्म से
ताल्लुक भी मान लिया। अच्छा, अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बुनियादी तौर पर यह था जी कि इमरान खान साहब के साइफ़र उनके कब्ज़े में और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने प्रोसिक्यूटर की उस बात को मान लिया कि हमारे पास सारे सबूत हैं और हम साबित कर देंगे और ये इमरान खान का लिंक है और ये इमरान खान साहब ने किया है, क्योंकि हाई कोर्ट में ज़मानत के केस में तो वो सबूत नहीं दिखा रहे होते। तो एक ऐसा केस जिसमें इमरान खान साहब अभी मुलज़िम हैं, उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ, उस केस में प्रोसिक्यूटर की मान कर और इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, उनके ऊपर सब कुछ साबित हो चुका है, लेकिन जब वो हाई कोर्ट आते हैं तो साबित होने के बावजूद, सज़ा मिलने के बावजूद और 4 हफ्तों की ज़मानत लेकर 4 साल बाद आने के बावजूद उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हो जाती है। तो सेम सिनेरियो है, 2 डिफरेंट फ़ैसले हैं। बाकी चीज़ें जो है वो आप फ़ैसला ख़ुद कर लें कि इमरान खान साहब के साथ ये जो फ़ैसला है ये क्या फ़ैसला आया। बहरहाल इसमें एक पॉजिटिव है, वो ये है कि अब ज़मानत चूँकि हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई है तो अब मैटर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानत आएगी, यहाँ पर ये मैटर सुना जाएगा। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा अब इसके ऊपर, या जो 3 रुकनी कमेटी है वो इसके ऊपर अब फैसला करेगी कि ये किस बेंच के सामने लगेगा, लेकिन इमरान खान साहब की ज़मानत अब आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो डिसाइड करेंगे क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक जो हैं वो उन एक सीनियर जज हैं और उसी लाइक माइंडेड ग्रुप में आते हैं, और पीछे खाली जस्टिस जाजुल अहसन एक जज बचते हैं, तो 2-1 से अगर कोई मुखालफत भी हुई तो 2-1 से फैसला होगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब का मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है ज़मानत का, और यहाँ पर मुझे ये है ऑब्ज़रवेशन या जो चीज़ों को हम देख रहे हैं कि यहाँ से इमरान खान साहब को ज़मानत या जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल ये 2 अहम खबरें थी, बड़ी खबरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर इसके अलावा एक और अहम ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने जेल से अहम पैगाम जो है वो जारी किया है, बल्कि उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही जो एक फैज़ाबाद अमल दरामद में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उस हवाले से आपको ख़बर जो है वो शेयर करता चलूँ। यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें डायरेक्टर ISI को भी शामिल किया गया है। वो क्या करेंगे, क्या कमेटी है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। फैज़ाबाद धरना केस इम्प्लीमेंटेशन का मामला अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि फैज़ाबाद धरना केस के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी को ज़िम्मेदारों के तयन का टास्क दिया गया है। कमेटी तमाम दस्तावेज़ात, रिकॉर्ड और शवाहिद का जायज़ा लेगी। मुतलका गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। कमेटी मुतलका कवानीन की रोशनी में मामले समेत मैनेजमेंट के किरदार और हिदायत का भी जायज़ा लेगी। कमेटी अपनी तजावीज़ के साथ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगी। तो ये अहम कमेटी है जो कि बन गई। आप देखें कि फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था और क्या सारी चीज़ें थी, वो ये फाइंड आउट करेंगे और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी ये एक और अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि आज ये जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इमरान खान साहब की जेल में जो मुकदमा चल रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत कायम है, जज अबूल हसनात साहब वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। इस केस की भी आज समाअत हुई है, जेल ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का, और इसमें यह हुआ है कि 31 तारीख तक केस मुलतवी कर दिया गया है। और रीज़न इसकी ये थी, एक तो 5 गवाहान आज पेश किए गए हैं, लेकिन ये कहा गया जी कि क्योंकि हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग हैं तो इसलिए अभी चीज़ों को आगे ना ले जाया जाए, लेकिन इमरान खान के ट्रायल रोकने की और ज़मानत की दरख्वास्त दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। तो इसलिए उस टाइम तक तो क्योंकि सुबह अर्ली ये हेयरिंग हो गई थी और हाई कोर्ट में फैसला बाद में आया था, तो बहरहाल अब ये होगा कि नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर फिर गवाहान जो हैं वो पेश होंगे, अपने गवाह रिकॉर्ड कराना और सारी चीज़ें जो है वो होगा। बहरहाल इसमें एक और चीज़ बताऊं कि सिर्फ ज़मानत का नहीं बल्कि जो ट्रायल रोकने का फ़ैसला था वो भी चूँकि दरख्वास्त थी वो भी चूँकि मुस्तरद हुई है, तो ये दोनों चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगी। तो यहाँ से एटलीस्ट एक बड़ी
उम्मीद है कि इसमें इमरान खान साहब को ट्रायल रोकने और ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर बड़ा जो रिलीफ है वो मिल सकता है। तो ये मुख्तसर सी आज की समाअत थी जो कि इमरान खान साहब के हवाले से हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। एक तो इमरान खान साहब ने ये हिदायत की है अपने रहनुमाओं को कि जो वकला वगैरह हैं या जो उनके रहनुमा वगैरह हैं वो कन्वेंशन मुनक़िद करें मुल्क भर में, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंतखाबी मुहिम जो है वो भी शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत की गई हैं। इसके अलावा एक और जो पैगाम है जल्दी जल्दी मैं ये भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि पिछले कुछ दिनों से हमने कानून का मुकम्मल मजाक देखा है, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ लंदन के मंसूबे पर अमल दरामद नहीं है बल्कि लंदन एग्रीमेंट जो कि बुजदिल और बदअनवान मुजरिमों और इनके सहूलतकारों के दरमियान मुआहदे के तहत हो रहा है, इस मुआहदे के तहत एक जुर्म को सियासत में मुजरिम को सियासत में वापस लिया जा रहा है और मुजरिम को क्लीन चिट देकर रियासती इदारों को तबाह किया जा रहा है। इसलिए जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा जी कि याद रखें मेरे खिलाफ़ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस और सियासी तौर पर बनाए गए हैं। ये मुकदमात सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि मुझे इंतखाबात के बाद कुछ वक्त तक या शायद इंतखाबात के बाद भी ज़्यादा वक्त तक जेल में रखना है, ताहम मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के खिलाफ बढ़ती हुई मजम्मत इन्हें खौफजदा कर रही है। तो ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है और साथ ही कहा है जी के जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाई जाए, मीटिंग्स वगैरह की जाएँ जो कि एक की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। पिछले दिनों लाहौर में कन्वेंशन था तो या जलसा था वो नहीं करने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहरहाल इसमें एक मुस्बत पेशरफ यह आ रही है कि जो मुलाकातें हो रही हैं ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई है या तमाम पार्टीज़ जो मुफामत की बयान कर मुफामत के हवाले से बयान दे रहे हैं तो ये बर्फ़ पिघलने का जो आगाज़ है जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं वो अब हाई कोर्ट से चल कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लास्ट वो होगा क्योंकि यहाँ से जो फ़ैसला होगा फिर इसके बाद तो ये कहीं पर चैलेंज नहीं होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो मूव ऑन कर रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।